फ्रेंड्स गुड इवनिंग कल एस बी आई सी बी यू का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें बैंकिंग के चालीस क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे तो चालीस के चालीसों क्वेश्चन के आंसर सहित मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने बैंकिंग में कितने क्वेश्चन सही किए हैं तो आइए शुरू करते हैं ये चालीसों क्वेश्चंस मेरे पास मेमोरी बेस्ड के आधार पर आए हैं कुछ स्टूडेंट और एक मेरे दोस्त हैं हरी मोहन उन्होंने ये शेयर किया है तो आइए देखते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर पहला है डीडी इज नन बियरर अंडर विच एक्ट डीडी जो है नन बियरर है किस एक्ट के आधार पे तो एनआई एक्ट के आधार पे एनआई एक्ट 1981 एक्ट के आधार पे डीडी जो है वो नन बियरर है नन एरर मतलब इसको ऐसे समझिए कि नन ट्रांसफर नन ट्रांसफरेबल है एक डीडी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज परी पासू चार्ज इन कंसोर्टियम तो इक्वल चार्ज ऑफ लेंडर कंसोर्टियम क्या होता है जब कई बैंकें मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट में फाइनेंस करती है तो उसी कंस्रोटियम कहते हैं कंसोटियम तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल चार्ज ऑफ लेंडर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI तो so UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फुल फॉर्म ऑफ AML तो so AML का फुल फॉर्म होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्क वेटेड

वॉट इज द इंटरेस्ट डर बी आई पे फॉर सी आर आर में सी आर आर जो बैंक मेंटेन करती है उस पर आर बी आई कोई इंटरेस्ट नहीं देती है एस एल आर का वर्णन किस एक्ट में है इस एक्ट के किस सेक्शन में तो सेक्शन ट्वेंटी फोर बी आर एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन ट्वेंटी फोर में एस एल आर का वर्णन है टेंथ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इफ़ ए चेक इज डिजॉनर्ड ड्यू टू बैंक मिस्टेक दैन बैंक इज लाइबल टू तो ड्रावर को लाइबल होगा आपको पता है कि चेक केस में तीन पार्टी होता है ड्रावर ड्रॉई और पेई ड्रॉई जो है हमेशा बैंक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु कैन मेक स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक तो ड्रावर ही कर सकता है हु इज द हेड ऑफ़ दिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तो एच यू एफ का जो हेड होता है उसको करता कहते हैं इन बैंकिंग कॉन्टेक्स्ट वीज़ा वीज़ा जो है ये क्या है क्रेडिट कार्ड है पी एस एल टारगेट एग्रीकल्चर के लिए कितना है तो तीन परसेंट है बिजनेस क्रस्पॉन्डेंस बी सी पॉइंट बहुत सारे रहते हैं बैंकों के आजकल आपने हर जगह देखा होंगे तो वो क्या है बैंक का एजेंट विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू नॉमिनी कैंसिलेशन नॉमिनी अगर कैंसिलेशन करना है डी फॉर्म लगता है सॉरी फ्रीक्वेंसी सेविंग बैंक इंटरेस्ट तो क्वार्टरली जो है सेविंग बैंक इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है खाते में क्रेडिट किया जाता है एनपीए स्टैंडर्ड कब होगा तो सिंपल सा क्वेश्चन है रिपेमेंट जो ड्यू है उसका रिपेमेंट अगर हो गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का उस डेट तक तो एन जो है खाता एन पी जो है वो स्टैंडर्ड हो जाएगा व्हाट इज टाइम लाइन फॉर के टू बी डन लो रिस्क कस्टमर लो रिस्क कस्टमर के लिए के कितने दिनों में किया जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए दस साल में मीडियम रिस्क के लिए आठ साल में और हाई रिस्क के लिए दो साल में वाट इज द दैफ्ट लिमिट फॉर वॉकिंग कस्टमर तो वॉकिंग कस्टमर के लिए रेफ्ट लिमिट जो है फिफ्टी के है वर्किंग कस्टमर किसको कहते हैं आप नीचे कमेंट करके बताएंगे और ओपनिंग ए सेविंग बैंक अकाउंट व्हाट इज रिक्वायर्ड अदर देन आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ तो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के अलावा फोटो भी लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है इक्विटी मॉर्गेज और इज डिसाइडेड बाय विच इंस्टीट्यूशन तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है ए बैंक अकाउंट इज डोरमेंट डॉर्मेंट का बता है कोई अकाउंट जब दो साल तक उसमें कोई लेन देन नहीं होता व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ ए चेक चेक की वैलिडिटी कितने कितने दिनों की होती तो है तो नब्बे दिनों की तीन महीने की थ्री ए माइनर माइनर किसको कहते हैं जिसका एज जो है एटीन ईयर्स से कम है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टी डी एस रिडम्पन फॉर्म फॉर सीनियर सिटीजन तो सीनियर सिटीजन के लिए टी डी एस रिडम्पन फॉर्म जो भरवाते हैं वो है फिफ्टीन एच फिफ्टीन जी एच आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा भरा भी होगा वट इज़ द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर अंडर डी आई सी जी सी तो डी आई सी जी सी के अंतर डिपोजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी ये जो है इसके अंतर्गत आपका पाँच लाख का इंश्योरेंस रहता है अगर आपके खाते में पाँच लाख से अधिक भी है और जो है बैंक दिवालिया हो गया तो उस कंडीशन में आपको पाँच लाख ही मिलेगा और पाँच लाख से कम है तो जितना है उतना ही मिलेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस टी आई सी जी सी इज नॉट अप्लीकेबल तो इंटर बैंक डिपोजिट में अप्लीकेबल नहीं होता है सरफेसी एक्ट कहाँ लागू कहाँ अप्लाई नहीं होगा अगर टोटल आउटस्टैंडिंग ट्वेंटी परसेंट से कम है तो वहाँ पर लागू नहीं होगा वाट इज द लिमिट ऑफ कैश ट्रांजेक्शन एवर विच पैन कार्ड इज मैंडेटरी सबको पता होगा कि पचास हज़ार से ऊपर कैश ट्रांजेक्शन के लिए उनचास हजार नौ सौ निन्यानवे पचास हजार के ऊपर जो है पैन कार्ड चाहिए ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ओपन ए सेविंग अकाउंट तो बिजनेस का सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते व्हाट इज इंटरेस्ट स्प्रेड तो लेंडिंग और डिपॉजिट रेट में जो अंतर होता है उसी कहते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड कोई भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है वो जिस रेट पे लैंड कर रही है जिस रेट पे वो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे कर रही है दोनों दोनों के बीच जो डिस डिफरेंस है उसी को कहते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड अगर एडवांस एन एडवांस इज ऑफ फोर्टी लाख एंड टोटल एसेट दस लाख है तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा तो करंट रेशियो हो जाएगा वन वन पॉइंट टू फाइव इफ एन ओवर अकाउंट इज ओवर फॉर फोर थाउजेंड थर्टी नाइन एंड ई एडजस्टेड फ्रॉम सेविंग अकाउंट देन इट कैन बी डन अंडर विच राइट तो राइट ऑफ सेट ऑफ के अंतर्गत यह किया जा सकता है ड्यू को उसका बकाया को विच ऑफ द फॉलोइंग इज निगेटिव बैलेंस अकाउंट तो कैश क्रेडिट जो है वो निगेटिव बैलेंस अकाउंट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट स्टॉक और सेल्स जो है वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है इफ़ ए टर्म डिपोजिट ओपन फॉर आदर एंड सर्वाइवर किस थ्री ईयर बट आफ्टर सिक्स मंथ दे वॉन्ट टू ट्रांसफर द अथॉरिटी टू देयर सन देन कैन इट बी डन नोट चेंज ने नहीं किया जा सकता है फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट जो होता है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता ए एन पी ए बिकम्स डाउटफुल वेनिट्री सब स्टेंडर्ड कैटोगी अगर ट्वेल्व मंथ तक सब स्टैंडर्ड कैटोगी में रहेगा तो वह डाउटफुल में चले जाता है अकाउंट तो अकाउंट के अलावा जो है आपको उसका एप कोड भी चाहिए जी डी पी फोरकास्ट डन बाई आर बी आई तो सेवन परसेंट था यही सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बैंकिंग के पूछे गए थे और सारे का मैंने आंसर भी आपको बता दिया है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से सवाल सॉल्व किए थे और अपना मार्क्स का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं <coughs> तो ये बैंकिंग के सारे क्वेश्चंस थे ऐसे ही अगर आप रीजनिंग इंग्लिश और आदि के मेमोरी वेस्ट शेयर कर देंगे तो मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा बाकी ऑफ से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है आज ही शाम को तो पेपर को देख के तो लग रहा है कि कट ठीक ठाक ही रहेगा क्योंकि पेपर बहुत टफ नहीं है बैंकिंग का और रीजनिंग और इंग्लिश ये तीनों ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में ही हैं तो कटॉप ठीक ठाक रहने की उम्मीद है बाकी आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके वो भी आप पूछ सकते हैं तो धन्यवाद